तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या पीसी में कलर फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, मैं बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फोल्डर कलराइज। आप इसे सॉफ्टवेयर.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये फाइल खोली, अपनी जो साइट खोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको टाइप करना होगा फोल्डर, लिखा है फोल्डर कलराइज सेटअप, इस पर एंटर किया। एंटर करने के बाद ये आ रहा है, आपको सॉफ्टवेयर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे डायरेक्ट रन करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपने डाउनलोड में गया, ये मैंने डाउनलोड किया, क्योंकि पहले किया था वो आपको बता रहा हूँ। मैं डाउनलोड किया, इसे रन करता हूँ। सबसे पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद इसे रन करूँगा, मैं बताता हूँ आपको। वो यस किया, देखते रहिए कि कैसे कलर फोल्डर बनाते हैं, वो आपको अभी पता चल जाए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, और ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। देखना, देखते रहो दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड तरीका नहीं है कलर फोल्डर बनाना। आप जैसे मैं यहाँ पे अपना ये न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कुछ भी नाम डाल देता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड मैं डाल देता हूँ म्यूजिक, ठीक है। एंटर किया, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये दिख रहा है कलराइज। इस पर कलर आप चाहें वो कलर दे सकते हैं, ब्लू देना है ब्लू दे दिया, ये हो गया। तो उसके बाद आपको दूसरा फोल्डर कोई भी बनाना हो, जैसे अब बना लिया मैंने, अब बनाना चाहता हूँ मैं फोटो फोल्डर के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये फोटो फोल्डर बनाया, क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, उसके बाद ये दिख रहा है कलराइज, इस पर क्लिक करते हैं। कोई सा भी कर सकते हो आप, येलो कर दो, अभी येलो रुक गया। तो आप दोस्तों ऐसे फोल्डर फोल्डर पे फोल्डर बना सकते हैं। ऐसे न्यू फोल्डर और बनाया मैंने, बना दिया रिंग टून, RINGTONE रिंग टून, ठीक है। इस पे हमें दूसरा कलर करना है, ये भी कलर हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे नीचे आकर कलराइज, यहाँ से भी कोई कलर ले सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये तो आपको कोई कलर करना है, ऐड कर सकते हैं, जोन सा भी करना हो यहाँ से ऐड कर देते हैं, ऐड करने का ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से आप क्लिक राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके कलराइज, यहाँ जो ऐड किया था आप उस वो भी कर सकते हैं। ये तो आप देख, आपको मैं दिखा देता हूँ विदाउट टेंशन, कोई टेंशन नहीं हुई है, और ये कलर फोल्डर